दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का फ्रेंड एक्स सोल्जर फिरदौस फंडोल आप लोगों का एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। देखो, एसएससी बहुत दिन से नहीं आ रहे, लगभग 3 साल हो गया, और बहुत सारा बंदा पूरा इंडिया से लगभग 1 करोड़ के आसपास बंदा जो एसएससी के लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहे हैं, और इसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। और हम बोला है इसके ऊपर जब कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा आपसे शेयर करेंगे। बहुत दिन से एसएससी के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, कल एक वीडियो बनाया था और उसमें एसएससी डेट कैलेंडर चेंज हुआ था। अभी डेट का गवर्नमेंट इतना बड़ा एक संस्था है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिया का सबसे बड़ा जो नियोग पद्धति करता है, नियोग करता है, नियोग आयोग है, वो है एसएससी। और वो इतना बड़ा एक आयोग हो के इतना छोटा छोटा मिस्टेक करता है, जो हम लोगों का क्या नालायक समझता है आप खुद देख लो। ये हमारा देश का एसएससी का ही हाल है। देखो कितना बड़ा मिस्टेक, आप लोग विचार करो और उसके बाद ज़रूर आप फ़ोन करो एसएससी ऑफिस में, सोशल मीडिया में पूछो गवर्नमेंट से क्यों इतना गलती कर रहे हैं। ये क्या हम लोगों का नालायक सोच के रखा है? आप लोगों का क्या नालायक सोच के रखा है? आप देखो इतना बड़ा गलती या जो किया है एसएससी वो देख लो, कल जो दिया था और आज क्या है एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ssc.nic.in पर। और मेरे पास अभी ज़्यादा साधन नहीं है इसलिए मैं मोबाइल से ही दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ देख लो। मैं स्क्रीन शॉट ले कर रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा नज़दीक ले आओ। देखो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कैलेंडर था 2018-19, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो दिया है, क्लोजिंग डेट जो दिया है, देखो ये 10 नंबर कॉलम था जो रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्स्टेबल जीडी इन सीएपीएफएस एग्जामिनेशन 2018 डबल प्लस था, पर उसमें डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया दिया है। क्या दिया है देखो, 21/7/2018, पर यार क्लोजिंग डेट देखो, क्लोजिंग डेट 10 नंबर कॉलम में, सॉरी दोस्तों, क्लोजिंग डेट देख लो, क्लोजिंग डेट दिया है 20/8/2017। देखो 20/8/2017, इधर 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 20/8/2017। अब लोग और भी बड़ा कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, ये वाला देख लो 20/8/2017, ठीक है। तो यही देखने का चीज़ है। अभी आप बोलो, इतना बड़ा समझता, इतना छोटा छोटा गलती करते हैं आप लोगों के साथ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हम सिर्फ ये जो गलतियां है ये सुधारने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और जो आधिकारिक है, खुराना है, खुराना साहब है जो चेयरमैन, इस जो गलतियां को देखना चाहिए, कौन ये गलतियां किया, क्यों किया। सबसे ज़्यादा है एक गलती से पूरा इंडिया में जो 1 करोड़ के आसपास जो बंदा एग्ज़ाम देने के लिए वेट कर रहे हैं, इसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं हमें लग रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम चाहेंगे ये गलतियाँ जल्दी जल्दी सुधार लिया जाए, और जो ओरिजिनल डेट है वो जल्दी आना चाहिए, और नहीं भी आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे इसका सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।